सभी दर्शकों को महेंद्र भोले का नमस्कार। आज दिनांक 10 सितंबर 2022 को मैं महाराष्ट्र राज्य के एक गांव में मेरे मित्र हरिराम काकड़े के पास आया हुआ हूँ और यहाँ से हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर और ज्योतिर्लिंग के दर्शन अपनी बाइक से यात्रा चालू करेंगे और उसकी तैयारी हो चुकी है। यह यात्रा के सभी वीडियो आप मेरी YouTube चैनल हर हर महादेव कांवड़ यात्रा में देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो के अनेक पार्ट हो सकते हैं और आप उन्हें पूरा देखें। जय भोले की। अब हम ये निकल गए हैं, इनके गांव से निकलते हुए जा रहे हैं और ये हरियाली है गांव की चारों तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खेत वगैरह है। देखो ये गांव कितना डेवलप है और इसमें देखो जियो का भी टावर लगा हुआ है। सामने जो दिखाई देगा आपको जियो का टावर लगा हुआ है, आइडिया वोडाफोन सारे के टावर यहाँ पे अवेलेबल है इनको, तो नेटवर्क की भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस गांव के अंदर नेट भी अच्छी स्पीड से 4G की स्पीड से चलता है और ये गाँव लग रहा है काफ़ी डेवलप है। का जो मेन जो है बिजनेस वो कृषि है। ये देखिए ये टावर है, आप देख रहे हैं टावर। ये गांव के सारे लोग हैं, जब इनको ये पता लगा कि हम यहाँ से महाराष्ट्र के सारे ज्योतिर्लिंग और शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो ये सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे हमें देखने के लिए। और ये भोले को तो आप अपने मेरी कावड़ में देख सकते हैं, उसमें 2020 में ये हमारे साथ वहाँ गए थे। और ये यात्रा का शुभारंभ करने के लिए यहाँ से नारियल का भोग लगाया जा रहा है। सर इधर करके छीलो ना थोड़ा, मंदिर का कलश निकालो ऊपर का। देखो गांव का कितना सुंदर मंदिर बना रखा है, बहुत हाइट पे है ये। Thank you.
हम मंदिर में जा रहे हैं। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर ऐसा है और ये हनुमान जी का मंदिर है। ये पकड़ी है कैमरा, प्रसाद चढ़ा दिया गया है नारियल का यहाँ से। सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले की। अब हमारे जो साथी थे हरिराम भोले जी, वो थोड़ा वीडियो बना रहे हैं मंदिर का। उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आरती वारती सब पूजा वूजा हो गई हमारी यहाँ से या, और अब रवानगी करने के लिए तैयार हैं। हम गांव में से निकल रहे हैं। ये दोनों छोटा ही गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। 3000 लोग संख्या है इसमें, बता रहे हैं हरिराम जी, बता रहे हैं 3000 लोगों की जनसंख्या है इसमें। अच्छा, ये गांव से बाहर आ गए हैं और अब आगे जो भी आएगा यहाँ पे शूट करने लायक अच्छी कोई, वहीं से आपको फिर दोबारा शूट करके दिखाऊंगा जी। अब ये घोड़ के दोनों साइड में खेत है, खेतियाँ हो रही है दोनों साइड में रेत रोड के, और यहाँ से बातूर मेरे ख्याल 2-1.5 किलोमीटर के करीब रह गया है। बीच में कुछ बारिश का मौसम सा भी बन गया था, इसलिए थोड़ा कैमरा नहीं चलाना पड़ा, क्योंकि आज लग रहा है कि
बारिश आने की संभावना बताई जा रही थी मौसम डिपार्टमेंट ने कि 9 और 10 सितंबर को बारिश आ सकती है तेज। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वीडियो का वहाँ ज़रूर बनाया जाएगी वीडियो। सामने जो आ रहा है वो बातूर ही आ रहा होगा। छोटा सा शहर है बातूर। और हम लग रहा है अब हाईवे पे निकल आए हैं। यहाँ से हाईवे चालू हो जाएगा। मेरे उल्टे हाथ को जालना जाएगा और इधर से मेहता मेरे बाएं हाथ को ये जालना जा रहा है रोड। ये और यहाँ से हम जाएंगे आगे इस रोड से। कारण है तो सारा रोड टूटा हुआ है और गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। स्लो जा रही है गाड़ी। अभी इस रोड का लग रहा है बता रहे हैं कि ये इसको चौड़ा किया जाएगा, 4 लेन किया जाएगा, इसलिए थोड़ा साइडों से पेड़ वगैरह भी काटना चालू कर दिया है और काम चालू हो रहा है इनका। और ये रोड जो डैमेज अभी जो हुआ है ज़्यादा वो बारिश की बारिश हुआ है। क्रॉसिंग आ रहा है और वहाँ से बता रहे हैं हरिराम जी कि ये रोड जो है ये वाला रोड नागपुर को जा रहा है। ये जो रोड है नागपुर जा रहा है, ये देख रहे हैं लोनार सरोवर आता है जिसमें मोकर बंदाना खमगांव से गाँव। ये कहाँ जाएंगे हम सीधा? ये तो अभी अंडा नंगना सीधे जाए उत्तराखंड की चार धाम यात्रा गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री की जानकारी के लिए आप मुझे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9871298755। दूसरा नंबर है 9911793940।
अच्छा दृश्य। तो इनको इनकी यात्रा के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इनकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान इनकी पूरी इच्छा पूरी कर दें। जय साई नाथ। ये जानना तो है सबकी दमक है माजा। हम पहले दर्शन करने जा रहे हैं आठवां ज्योतिर्लिंग ओंदा नागनाथ के। और इसे ओंदा नागनाथ क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे समसिक। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो से जुड़ते रहिए और इसके सभी भाग को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भोलेगी। ओंदा नागनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में ओंदा नागनाथ में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग भी है। ओंदा नागनाथ मंदिर के इतिहास का मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण साहूना यादव वंश द्वारा किया गया था। यह 13वीं शताब्दी का है। पहला मंदिर महाभारत के समय का है और माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने किया था, जब उन्हें हस्तिनापुर से 14 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। आगे जाएंगे अंदर। जी भीड़ होती है तो ये कवर लगा रखी है ताकि लोग घुसे ना अंदर, नहीं कोई लाइन में घुसे ना। और जो तो खुले बेल 10 रुपए।
ये 10 रुपए थे। चार बजे क्या बात है। ये मंदिर में हम घुस चुके हैं, देखते हैं मंदिर में कहां तक कैमरा ले जाने देंगे। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैं मंदिर जाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई है। नामदेव महाराज जी का मंदिर है। लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है पीछे से, लगी हुई है आगे भी लाइन लगी हुई है, पीछे भी लाइन लगी है। टाइम मेरे को लग रहा है कोई आधा घंटे से ज्यादा में लग जाएगा मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मुख्य द्वार है इसका, मंदिर का ज्योतिर्लिंग के अंदर से 8वां ज्योतिर्लिंग बता रहे लिखा हुआ है। 8वां ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से मंदिर के दर्शन करने के लिए 5:30 बजे सुबह से साढ़े 12 बजे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बेसमेंट में छोटा सा एक रास्ता है, वहीं से नीचे जाते हैं और वहीं से ही घोड़ी से ऊपर आते हैं। अब मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ऊपर आ गया हूँ। मंदिर का दर्शन करते हुए हम कहते हैं बाहर में मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम नंदी बाबा के दर्शन कर आए और अब परिक्रमा चालू कर रहे हैं हम बाहर से। ये बाहर का ऐसा नज़ारा है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया पूरा। ये सामने लाल रंग का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये शिव भक्त नामदेव का मंदिर है। कहा जाता है कि नामदेव शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो इस मंदिर में कीर्तन और पूजा करते थे। नामदेव निम्न जाति के होने के कारण पंडितों ने मंदिर में
पूजा और कीर्तन करने से नामदेव को मना किया और मंदिर से बाहर कर दिया। तब नामदेव ने मंदिर के पीछे जाकर भगवान की कीर्तन और करने लगे। तब महादेव ने अपना चमत्कार दिखाया और मंदिर का द्वार घूमकर जहां नामदेव पीछे की तरफ बैठे थे वहीं पे उसका मुख्य द्वार घूम गया। उल्टी दिशा में मंदिर का द्वार होने के कारण इसे ओंदा नागनाथ कहते हैं। यह दुनिया का एक पहला मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ खुलता है। ज़्यादातर मंदिरों के द्वार उत्तर और पूर्व की तरफ होते हैं। चलो आगे। ये क्या है? अंदर फोटो निकालो। प्रवेश द्वार है, बाहर निकल नहीं कर रहा सर। उसका बाहर से लेना है फोटो। चलो ठीक है, लेते हैं। हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर की परिक्रमा भी हमने पूरी कर ली है। परिक्रमा के दौरान जो भी मंदिर के अंदर देवी देवताओं के मंदिर थे उनके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम बाहर के लिए जा रहे हैं। तो बजा रहे हैं प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं दोनों तरफ। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको इस मंदिर की और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से सीधे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। जय शंकर की।